भाजपा के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचे और मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की कि रांची उपायुक्त को तत्काल उनके पद से हटाया जाए और उनको झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कार्य से मुक्त किया जाए। प्रतिनिधिमंडल में विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव और प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक शामिल थे। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ एक पुराने मामले में जब वो देवघर उपायुक्त थे उस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय नई दिल्ली ने मामले पर जांच जरूर करने का आदेश जारी किया था। आदेश मुख्य सचिव के नाम से था और स्पष्ट आदेश था कि मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ 15 दिन के अंदर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सूचित किया जाए। 15 अक्टूबर को 16 दिन बीत गए और मुख्य सचिव ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में ज्ञापन देकर यह भी आशंका जताई है कि भजंत्री के रहते रांची जिला में पड़ने वाले विधानसभा रांची हटिया मांडर खिचड़ी कांके और सिल्ली में साफ स्वच्छ निर्भीक चुनाव कराना असंभव है। ज्ञापन सौंपने के बाद अब ये खबर आ रही है कि मंजू नाथ भजंत्री को हटाकर वरुण रंजन को रांची का नया डीसी बनाया गया है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले राहुल सिन्हा को हटाकर मंजूनाथ भजंत्री को रांची का डीसी बनाया गया था, लेकिन आज उन्हें भी हटा दिया गया है और वरुण रंजन को रांची का उपायुक्त बनाया गया है। देखिए, भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग पहुंचकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला और मिलकर मांग किया कि रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री जी को तत्काल उनके पद से हटाया जाए, न सिर्फ हटाया जाए बल्कि उनको चुनाव कार्य से मुक्त किया जाए। कारण यह है कि 30/9/2024 को देखिए ये पत्र है जो भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय के द्वारा जारी हुआ है। इसमें आदेश है, निर्देश है कि 15 दिन के अंदर इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, जो कि जब डीसी देवघर थे उस समय इनका जो मामला था उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई करके 15 दिन के अंदर सूचित किया जाए। आज 16वां दिन है, अभी तक राज्य सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई को छोड़ दीजिए, ये पद पर बने हुए हैं। इनके रहते भर में रांची जिला अंतर्गत 6 विधानसभा रांची हटिया मांडर खिजरी कांके व सिल्ली में निष्पक्ष चुनाव कराना असंभव है। इस संदर्भ में हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि तत्काल इनको हटाया जाए। आज के प्रतिनिधिमंडल में मेरे अलावा मेरे साथी अशोक बाइक जी मौजूद है। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए।